दिल्ली में रविवार को कोरोना ने बीते 72 घंटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां 26 जून के 3460 केस के बाद पहली बार रविवार को 3256 केस सामने आए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 20,000 को पार कर गई। दिल्ली में फिलहाल होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 को पार कर गई है। यहां लगातार रिकवरी रेट भी घटती जा रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 36,046 टेस्ट किए गए, जिनमें आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या 9,217 और एंटीजन टेस्ट की संख्या 26,829 है। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच सोमवार यानी कि आज से मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया। ये सेवाएं 169 दिन बाद चालू हुई। हालांकि मेट्रो में सफर के लिए कड़े नियम और शर्तें लागू किए गए। दिल्ली में खास तौर पर कंटेनमेंट जोन्स में ये मेट्रो बंद रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को सिर्फ येलो लाइन पर ही ट्रेनें दौड़ेंगी। सेवा शुरू होने के मद्देनजर DMRC ने मुसाफिरों से अपील की है कि वे जरूरी होने पर ही मेट्रो ट्रेनों का यूज करें, साथ ही मेट्रो में चलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस के खतरे के बीच रूस से अच्छी खबर सामने आई है। रूस इसी हफ्ते कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। रूसी एजेंसी की माने तो रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के डेप्टी डायरेक्टर डेसिन लोगुनोव ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे अधिक संक्रमितों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में हालात और खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति ज्यादा गंभीर हो रही है। राज्य में 23,000 से अधिक नए केस मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में पिछले 12 दिनों से लगातार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। रविवार को राज्य में 6,777 नए केस मिले। रविवार को देश में रिकॉर्ड 92,406 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना से खौफनाक रूप जारी है। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया है। पूरी दुनिया में करीब 3.25 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,30,000 नए मामले सामने आए हैं और 4,102 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 2,72,82,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 8,87,000 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 1,93,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं।